ग्वालियर विधानसभा चुनाव के दौरान पुरानी रंजिश पर हुए दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष के मामले में कुछ ग्रामीणों ने आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। आईजी से मिलने पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, जिससे आरोपी पक्ष के लोग गांव में अपने घर मवेशियों की देखभाल और खेती पर नहीं की जा रही है। उनका आरोप है कि जिन तीन लोगों के संघर्ष के दौरान मौत हुई है, उनके घर वाले कुशवाहा समाज के लोगों को गांव खाली करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ कुशवाहा समाज को टारगेट कर रही है, जबकि वह भी खुद पीड़ित है। उनका कहना है कि राजेश भदौरिया और भूरा ने आरोपी पक्ष के दिनेश कुशवाहा को पूर्व में गोली मारी थी। इस पर 307 का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की। कुशवाहा समाज के 16 लोग अब तक पुलिस में हाजिर हो चुके हैं, बावजूद इसके अज्ञात के नाम पर कुशवाहा समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने शिवपुरी जिले के एसपी और नरवर के टीआई को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की है। आज ग्वालियर संभाग के जो आईजी महोदय हैं, उनको आज ज्ञापन दिया है और ये मामला जो 15 दिन से चल रहा है, जो चक्रामपुर थाना नरवर जिला शिवपुरी में जो घटना घटी थी, उसमें देवी सिंह कुशवाहा जो आज भी हमारे उसमें अस्पताल में मरणासन्न स्थिति में है, दिनेश कुशवाहा उनके पिताजी वीर सिंह कुशवाहा, आज 15 दिन हो गए वहाँ पे दंगा हुआ। ये घटना है गणेश जी के टाइम की, गणेश जी के टाइम पे दिनेश गणेश जी विसर्जन करने जा रहे थे, जहाँ मुन्ना भदौरिया नाम के व्यक्ति रहते हैं उनके पड़ोस में, उन्होंने कहा कि तुम डीजे नहीं बजाओगे। जब इन्होंने डीजे बजाना बंद नहीं किया तो उसमें मुन्ना भदौरिया का लड़का था जो सुरेंद्र भदौरिया, उसने गोली मारी, उसके गोली मारी तो 307 कायम थी उन पर। उसके बाद में एक मामला चलता रहा, अभी चुनाव के एक दिन बाद वो घर पे आए और उनके साथ में कम से 10-12 फोर व्हीलरें थी जिसमें अवैध हथियार रखे हुए थे, और वो बोले कि तुमको राजीनामा करना पड़ेगा। जब